हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। आवाज़ थोड़ी सी डल आ रही होगी, मुझे माफ़ करिएगा। तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपके साथ बातें करना और आपके साथ रूबरू होना मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटीज़ है, इसलिए मुझे इस हालत में भी आना पड़ा। लेकिन आज की जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बेबी के स्किन टोन को कैसे फेयर कर सकते हैं, तो उसका जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। जो भी नुस्खे, जो भी टेक्निक्स बताऊंगी, वो सब कुछ बताने से पहले आपको एक बात जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक ट्विन मॉम हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मेरा एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के की जो स्किन है वो थोड़ी सी फेयर है एज़ कम्पेयर टू माई गर्ल चाइल्ड, मेरी बेटी की स्किन से। तो आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा कि आप जो ये टेक्निक बता रही हैं वो आप अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं करती हैं, जिससे उसकी स्किन भी फेयर हो जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो जवाब है ये कि आप कितनी भी टेक्निक यूज़ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड जो स्किन का कलर रहता है वही आपके ज़िंदगी भर रहता है। क्योंकि जो भी जो कलर का जो जीन्स होता है, जो डीएनए जो ट्रांसफ़र होती है वो माता और पिता से होती है। अगर जो कपल हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके जो भी कलर होते हैं वही बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। सपोज़ अगर कोई जो पुरुष हैं, जो पति हैं, वो गोरे हैं और जो महिला है वो सांवली हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी बच्चा अगर पिता पे चला गया तो वो गोरा होगा और माँ पे चला गया तो वो सांवला होगा। तो जो भी डीएनए जो भी ट्रांसफ़र होती है वो कलर डिसाइड करती है। लेकिन कुछ आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जैसे कि स्किन टोन लाइटर हो सकती है। जैसे सबसे पहली जो चीज़ होती है जो बच्चे में, वो काफ़ी ज़रूरी है, बच्चे की अच्छी न्यूट्रिशन। जी हाँ, बच्चे की अगर खान पान अच्छी है, अगर बच्चा काफ़ी अच्छी तरह से भोजन ले रहा है, पौष्टिक पदार्थ अगर आप दे रहे हैं प्रॉपरली, तो बेशक आप देखिएगा कि आपके बच्चे की स्किन टोन में कुछ अलग सा ग्लो ज़रूर आएगा। जैसे कि आप अपने बच्चे के डाइट में आप फ्रूट्स को हमेशा शामिल करिए। फ्रूट्स में स्पेशली अगर विटामिन सी जैसी चीज़ों को अगर आप देते हैं, जैसे कि संतरा, नारंगी जैसी चीज़ें या फिर अंगूर जैसी चीज़ें अगर आप देते हैं, तो बच्चे की स्किन लाइट होने में काफ़ी मदद मिलती है। दूसरी चीज़, बच्चे की प्रॉपरली स्किन को साफ़ करना। जैसे कि आपने जब फीडिंग कराया बच्चे को और मुंह वगैरह नहीं पोछा, फेस को क्लीन नहीं किया, तो बच्चे को इरिटेशन भी होती है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने बच्चे को दाल खिलाया, दाल को साफ़ आपने नहीं किया, पूरा दाल लगा हुआ उसके फेस पे, वो सूख जाएगा तो उसे कितनी इरिटेशन होगी, इमेजिन करके देख लीजिए। वो सब कुछ आप अपने ऊपर इमेजिन करिए। जो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चा भी उसी तरह से महसूस करेगा। तो हर एक फीडिंग के बाद आप अपने बच्चे के फेस को अच्छे से क्लीन करिए। दूसरी चीज़, जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ट्रस्टेड हो, और हो सके तो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि कौन सा सोप आपके बच्चे के लिए अच्छा है, नहीं है, या फिर लिक्विड भी सोप आते हैं जो कि काफ़ी बच्चे के स्किन के लिए काफ़ी सूदिंग होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू भी मेंटेन रहती है, वैसे सोप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और तीसरी चीज़, अपने बच्चे को अच्छी तरह से मालिश ज़रूर करें। अब जैसे कि विंटर के सीज़न में अलग आप तेल का चुनाव करिए, समर के सीज़न में अलग तेल का चुनाव करिए। क्योंकि इससे होता क्या है कि समर में काफ़ी बच्चा परेशान भी हो जाता है अगर आप उसे हेवी ऑयल लगा देते हैं तो समर में आपको करना क्या है कि आपको लाइट ऑयल का इस्तेमाल करना है, जिससे कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे की स्किन में एब्जॉर्ब भी कर लें और बच्चे में चिपचिपाहट भी नहीं हो। जैसे कि आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन रहता है आपके समर के टाइम पे अगर आप बच्चे को मालिश कर रहे हैं तो। अगर जब भी आप धूप में निकलते हैं तो बच्चे को आप थोड़े से कवर करके निकलिए, या तो बहुत सारे, जैसे मैंने डॉक्टर से भी बात की थी तो जब मैंने पूछा था कि डॉक्टर्स क्या मैं सनस्क्रीन वगैरह इस्तेमाल कर सकती हूँ बच्चे की, तो वो बोले कि नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो हो सके तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए और बच्चे को ऊपर टावल वगैरह से थोड़ा कवर करके ले जाइए। ऐसे आप अवॉइड ही करिए बहुत तेज़ धूप में बाहर निकलना। सुबह की धूप और शाम की धूप आपके बच्चे के लिए हेल्दी होती है, बट ये दोपहर वाली जो धूप होती है उससे अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि धूप में जितना ज़्यादा बच्चा एक्सपोज होगा उतना ज़्यादा उसके कलर डार्क होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सारी जो टिप्स हैं मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर इसको अपनाइएगा, तो देखिएगा आपके बच्चे में
ये चीज़ें काफ़ी वर्क करेंगी। और एक बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, जो कि मैं पर्सनली बोल रही हूँ, कि मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं अपने बच्चों के साथ करूँ, लेकिन अगर आप टाइम आपका परमिट करता है, अगर आप कर सकते हैं तो बेशक ये चीज़ करिएगा। बेसन ले लीजिएगा, बेसन में आप कच्चा दूध मिला लीजिए और उसको एक पेस्ट जैसा बना लीजिए, और उस पेस्ट को आपके बेबी के फेस पर और पूरे बदन पे आप थोड़ा सा मसाज करते हुए उसको, और फिर उसको धो लीजिए, वाइप आउट कर दीजिए, और देखिए बच्चे की स्किन काफ़ी स्मूथ और अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए, बट बहुत ज़्यादा परेशान होकर करने की और रगड़ रगड़ के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रगड़िएगा इससे बच्चे का स्किन फेयर तो नहीं होगा, इनफैक्ट उसको रैशेस हो जाएंगी, रेडनेस हो जाएंगी, जिससे बच्चा काफ़ी इरिटेट हो जाएगा। तो अपने बच्चे को आप प्यार से हैंडल करिए और उसकी स्किन की केयर करिए, और डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। होप अगर आप मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर चाहते हैं मेरे चैनल को प्रमोट करना, सपोर्ट भी करना, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।